आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख। आज हम देखेंगे डेली ऑनसेट फॉर लर्निंग फैसिलिटेटर्स का सेशन नंबर 39। तो स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 39। सबसे पहला सवाल है, एप्लेट्स आर द स्पेशल प्रोग्राम्स रिटन इन डैश लैंग्वेज। एप्लेट्स जो होते हैं वो स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जो कि लिखे जाते हैं इनमें से कौन सी लैंग्वेज में, क्या वो जावा है या HTML है या HTTP है या नन ऑफ दिस। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML बेस्ड जो वेब पेजेस होते हैं वेबसाइट्स के, और HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक रूल है, जब भी प्रोटोकॉल आता है तो इंटरनेट के उसूल, इंटरनेट के रूल्स ये आता है। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लिखने के लिए लैंग्वेज यूज़ होती है वेब पेज बनाने के लिए, स्टैटिक। अब उसके अलावा यहाँ पर पहला ऑप्शन ये है कि जावा, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्पेशली प्रोग्राम्स वगैरह लिखने के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है, तो एप्लेट्स जो होते हैं वो जावा में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ वेब सर्च इंजन यूज्ड वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाने वाले इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है। डोमेन, टॉगल, नन ऑफ दिस। तो गूगल जो है तो सर्च इंजन है और वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग द सिस्टम। स्टार्ट करना कंप्यूटर को या रीस्टार्ट करना, इन्हें मल्टीटास्किंग कहा जाता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टार्ट करने या रीस्टार्ट करने को बूटिंग कहा जाता है, बूट, BOOT। और बूट में ऐसा होता है कि कोल्ड बूट एक होता है कि अगर कंप्यूटर बंद है तो उसे अगर हम चालू करते हैं तो वो कोल्ड बूट, और अगर रीस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूट। दो ही तरह के बूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन एनालाइज द डेटा इन अ टेबल एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ डेटा। आप एनालाइज कर सकते हैं डेटा एक टेबल में, परफॉर्म कर सकते हैं कैलकुलेशन डिफरेंट फील्ड्स में डेटा के। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि ये एक्सेस का है या वर्ल्ड का, इसलिए तो डेटा एनालाइज करने के लिए टेबल और परफॉर्म करना कैलकुलेशन उसके फील्ड्स, तो इसे हम फिलहाल में ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज़ ऑफ केबल इज सेड टू बी। एक ऐसा डिवाइस जो कनेक्ट होता है नेटवर्क से बिना किसी केबल्स के, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वायरलेस कहते हैं, बिना वायर का। सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड ये ऑप्शन है, ये नहीं है ओपन सोर्स, ये नहीं है, वायरलेस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ एन एक्सप्रेशन दैट डिफाइंस एक्सेप्टेबल वैल्यूज। एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है तो वो एक एक्सप्रेशन है जिससे डिफाइन की जाती है एक्सेप्टेबल वैल्यूज, यानी कि आप वहाँ पर जो लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ डिफाइन करेंगी। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो एक होना चाहिए कि फिक्स वैल्यू, तो एक्सेप्टेबल वैल्यू यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है और ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो फ़िलहाल इसे फॉल्स कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Outlook 2013 यू कैन अपडेट द स्टेटस ऑफ द टास्क एट एनी टाइम एंड स्पेसिफाई द स्टेटस एंड परसेंटेज कंप्लीटेड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक 2013 में आप अपडेट कर सकते हैं स्टेटस टास्क का, यानी कि आपका अगर कोई टास्क है तो आप तो ये कर सकते हैं, हम आपको करके बताते हैं। स्टार्ट में हम जाएंगे वहाँ पर ऑल प्रोग्राम से, हम ऑफिस 2013 में से वहाँ से आउटलुक हम ले लेंगे। तो ये आउटलुक हम चालू कर रहे हैं। ये आउटलुक चालू कर देने के बाद जब आप टास्क में जाते हैं, न्यू आइटम्स में टास्क से, ये ईमेल के बाजू होता है न्यू आइटम, तो हम फिर से जाएंगे न्यू आइटम्स टास्क में जाने के बाद आपको यहाँ पर से स्टेटस दिखाई देता है, ये स्टेटस, जैसे कि इन प्रोग्रेस, कम्प्लीटेड, वेटिंग फॉर समवन एल्स या डिफर्ड। तो प्रोग्रेस में है या कम्प्लीट हो गया है या फिर किसी वजह से रुका हुआ है, ये सारे आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं, तो एक टास्क में पॉसिबल है, तो इसलिए हम यहाँ पर उसे परसेंटेज कंप्लीटेड, तो परसेंटेज के हिसाब से भी बता सकते हैं कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, तो ये ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेंड ईमेल टू समवन यू नीड डैश। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल सेंड करना है किसी को,
तो आप इनमें से क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको क्या रेसिडेंट एड्रेस लगेगा जहाँ पर बंदा रहता है उसका एड्रेस, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी लगेगी, क्या आपको इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, या फिर फैक्स एड्रेस, क्या उनका फैक्स नंबर, या फिर इंटरनेट, नन ऑफ दिस, तो कुछ नहीं। या फिर तो यहाँ पर से हम इंटरनेट कनेक्टिविटी लेंगे, हमें किसी को ईमेल सेंड करने के लिए उसका ईमेल आईडी लगेगा और इंटरनेट का कनेक्शन लगेगा, इंटरनेट कनेक्ट हो तो हम सेंड कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइस इज यूज टू सी द वेब पेजेस। वेब पेजेस देखने के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल होता है, क्या इनबॉक्स होता है, तो ये तो मैसेजेस देखने के लिए होता है ईमेल के। रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन ऐसा फोल्डर है जिसमें अगर हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो इस फोल्डर में आती है, बाद में उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं, उसी जगह पर वो वापस आ जाएंगी, और अगर वहाँ से भी डिलीट कर दी जाए तो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी पूरे कंप्यूटर से, तो रिसाइकल बिन भी नहीं है। और बाकी नेटवर्क नेबरहुड, तो ये भी नहीं है नेटवर्क नेबरहुड। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से हम वेब पेजेस को एक्सेस और सर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो ये 100% श्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस बैंड इज ऑल्सो नोन एज वॉइस ग्रेड एंड लो बैंडविड्थ विच इज यूज फॉर स्टैंडर्ड टेलीफोन कम्युनिकेशन। स्टैंडर्ड टेलीफोन कम्युनिकेशन में जो यूज़ होगा उसे हम वॉइस बैंड या फिर वॉइस ग्रेड या लो बैंडविड्थ इस तरह से नाम दे सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखते हैं एनालिसिस के, हमारे यहाँ पर से दो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हुए थे, ये पहला हमने 100% सही किया है, दूसरा 100% सही है, तीसरा भी 100% सही है, चौथा जो है तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, फिफ्थ वाला 100% सही है, सिक्स्थ वाला यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो दो क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग के हैं। सिक्स्थ सेवन्थ 100% सही है, एट्थ 100% सही है, नाइन्थ भी 100% सही है, और टेंथ को इसका भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, तो यहाँ पर तीन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, फोर्थ सिक्स एंड टेंथ, तो देखते हैं कि इनमें से मतलब क्या ऑप्शंस निकल रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले देख लेंगे, इसे एंड टेस्ट करेंगे हम, एंड एग्ज़ाम वहाँ पर लिखना होगा हमें एंड करने के लिए। तो आपको ये याद रखना है एंड एग्ज़ाम करने से पहले कि वॉइस बैंड का ऑल्सो नोन एज वॉइस ग्रेड, ये आपके दिमाग में रखिए। दूसरा, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज एक्सप्रेशन दैट डिफाइंड एक्सेप्टेबल वैल्यूज, तो ये फॉल्स किया है हमने, ट्रू भी हो सकता था, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू का याद रखना है आपको, एक्सप्रेशन जो एक्सेप्ट करता है वैल्यूज, और दिमाग में रखना है कि जो एनालाइज करेंगे डेटा टेबल से, एनालाइज तो यहाँ पर आया था टेबल से, और कैलकुलेशन करने डिफरेंट फील्ड्स ऑफ डेटा, तो डेटा का कैलकुलेशन भी होगा अलग अलग फील्ड में, तो ये आपको याद रखना है, तो इसे हम एंड एग्ज़ाम करेंगे और देखते हैं क्या रिज़ल्ट उसमें आया है। तो 10 out of 10, तो यानी कि कन्फ्यूजिंग जो सवाल थे जो हमने एक्यूरेट उसे सही कर दिया है। हमने पहला जो कन्फ्यूजिंग था वो था डेटा टेबल, तो हमने इसे ट्रू किया था क्योंकि जो एक्सेस होता है, एक्सेस के अंदर फील्ड होती है, प्राइमरी की होती है, तो वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा और उसमें कैलकुलेशंस वगैरह वहाँ पर परफॉर्म कर सकेंगे हम, तो उस हिसाब से वो सही हुआ। दूसरा सवाल ये था, 10th नंबर का ये था कि वॉइस बैंड को वॉइस ग्रेड कह सकते हैं, बैंड विथ लो फ्रीक्वेंसी इस तरह से, तो वो भी सही निकला है। और जो 6th नंबर का क्वेश्चन था, तो 6th नंबर के क्वेश्चन में हमने फॉल्स किया था, फॉल्स, तो वो क्वेश्चन जो था तो इसलिए हमने फॉल्स किया था क्योंकि वो उससे मैच नहीं हो रहा था जो स्टेटमेंट था, तो इस तरह से ये हमारे 10 out of 10 यहाँ पर मार्क्स आ गए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम अभी सेशन नंबर 40 ये करेंगे, और ये सवालात MSCIT के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, और ये सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पर है, तो अगर थ्योरी में भी अगर स्टूडेंट्स को ये दिखाया जाए या फिर स्टूडेंट्स अगर ये देखें तो उनके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक हम ये बनाएंगे,
देखते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। सर ऐसा क्या है, मेरे